स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आप कर रहे हैं कंपाउंड इंटरस्ट जिन्होंने असं पंजाबी चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं यदा फॉर्मूला रहा की है पी इंटू वन प्लस आर बटा हंडर इंटू पावर टी पी इत की है मूलधन ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस एक प्लस आर की है रेट ऑफ इंटरस्ट जो दर बोलते हैं बटा सौ जिन्ना भी आपां नूं समां दित्ता है उहदी आपां उत्ते दी पावर लै लांगे टाइम पीरियड जां टी नाल भी डिनोट कर दें जां एंड नाल भी हुण आपां एक एग्जाम्पल लैके इस मैं तुहानूं दस रही हाँ सपोज करो कोई अपने कोल मूलधन है पी आ उहदी वैल्यू 12600 रुपया दित्ता उहने आपां नूं रेट ऑफ इंटरस्ट दी दर हैगी आ उह 10% ते आ मतलब टाइम पीरियड है उह 2 साल वास्ते दित्ता मैं तुहानूं इस विच पुट करके इहदा जिहड़ी है ज़्यादा क्लैरिफाई करके दस दी हाँ कि इहनूं आपां फाइंड आउट किवें करना है 12600 इंटू वन प्लस 10 बटा 100 दी पावर 2 ठीक है हम इन सॉल्व किवें करांगे 12600 इंटू वन जिहड़ा अपने को 10/100 ते 1 इहदा आपां की पूरी रकम दा की लगावांगे लघुत्तम लघुत्तम लैके 10 प्लस 100 प्लस 10 बटा 100 इंटू दी पावर 2 12600 110 इन दोनों जोड़ करके बटा 100 दी पावर 2 उन्हें तो अपने सॉल्व किया जीरो ना जीरो कैंसिल होगी ये आ गई 12600 इन ब्रैकेट फेरों में डाल लो 11/10 दी पावर 2 उस तो बाद अजय जेडी आ नीचे अपनी रकम लिखी हुई है 12600 ब्रैकेट स्टार्ट 11/10 दी पावर 2 जिनी बार भी ऊपर पावर है उन्नी बार ही अंदर रकम आप रिपीट करना होंगे 12600 गुना 11/10 गुना 11/10 बस इन सिंपल कैलकुलेशन ही है सॉल्व कर लेने 10 नाल कट्टी 1 नाल कट्टी रह कि गया 126 गुना 11 गया 121 तेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट नो मल्टीप्लाई बन के बन गया 15246 रुपये तेरा टोटल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट बन गई 15246 इनू 12600 माइनस टू लैस कर दो तो यह बन जूगा 2646 रुपये जो अपने को टोटल गया इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।